अस्सलाम वालेकुम सूरज। आज का हमारा टॉपिक है कॉशी सीक्वेंस। हम सबसे पहले इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कि हमारे पास कॉशी सीक्वेंस होती क्या है। वो कहते हैं कि अ सीक्वेंस ए एन इज कॉल्ड कॉशी सीक्वेंस इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव, मतलब अगर आपके पास हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कि हर एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए आपके पास एक कैपिटल एन नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए, सच दैट वेन एवर जब आपके पास कोई से भी दो नेचुरल नंबर्स एम और एन ग्रेटर देन इक्वल टू दैट नेचुरल नंबर कैपिटल एन, जब आपके पास कोई से भी दो नेचुरल नंबर एम और एन आपके पास कैपिटल एन एग्जिस्ट कर रहा था उससे बड़े उसके इक्वल आए, देन इट फॉलोज दैट ए एन माइनस ए एम शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। मतलब कि आपके पास जब भी कोई से दो नंबर एन और एम आपके उस कैपिटल एन से यहाँ तो इक्वल आएंगे उसके ग्रेटर आए, तो उन दोनों एन और एम के ऊपर आपके पास सीक्वेंस ए एन की जो टर्म्स पड़ी हैं उन दो टर्म्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस एप्सिलॉन से लेस होना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी सीक्वेंस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो हम कहेंगे कि वो सीक्वेंस आपके पास एक कॉशी सीक्वेंस है। हम इसको अगर ग्राफिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें तो ग्राफिकली हमारे पास सीक्वेंस कुछ इस तरह से बनेगी। अगर आपके पास ये रियल लाइन है और हम कहते हैं कि हमारे पास सीक्वेंस के टर्म कुछ इस तरह चल रही है कि लेट्स सपोज ये सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है ए वन, इस सीक्वेंस की सेकेंड टर्म है लेट्स सपोज ए टू, सिमिलरली सीक्वेंस की थर्ड टर्म आ जाती है ए थ्री, एंड सो ऑन, इस तरह सीक्वेंस की टर्म चलती जा रही है। तो हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस आपके पास बेसिकली कॉशी सीक्वेंस है। अगर आप कोई सा भी एप्सिलॉन ले आए, कोई भी पॉजिटिव नंबर, और उस पॉजिटिव नंबर के लिए आपको एक नेचुरल नंबर मिल जाए, मतलब को आपको एक सीक्वेंस के ऊपर एक पॉइंट मिल जाए और वो पॉइंट आपके पास है कैपिटल एन। अब जैसे कि हमें पता है अगर आपके पास नेचुरल नंबर है वन तो उस वक्त आपके पास सीक्वेंस पड़ी है, सीक्वेंस की टर्म है ए वन, नेचुरल नंबर है टू उस पर सीक्वेंस की टर्म है ए टू, नेचुरल नंबर है ए थ्री उस पर सीक्वेंस की टर्म है ए थ्री, तो सिमिलरली अगर नेचुरल नंबर है एन तो उस पर सीक्वेंस की टर्म होगी ए एन। अब सिनेरियो ये है कि आपके पास यहाँ से लेकर आगे तक सीक्वेंस की टर्म जहाँ तक जा रही हैं, ठीक है, उनमें से आप कोई सी भी दो टर्म्स उठा लें, जरूरी नहीं है कि वो दो टर्म्स कंजेक्टिव हो या कंजेक्टिव ना हो, आपकी अपनी मर्जी है। बेशक एक टर्म आप यहाँ से उठाएं, एक टर्म आप उसके 20 के डिफरेंस के साथ उठा लें, कोई सी दो टर्म्स उठाएं, अगर उन दोनों टर्म्स के दरमियान जो डिस्टेंस आए, लेट्स सपोज अगर मैं कोई सी दो टर्म्स उठा लेता हूँ, मेरे पास एन लेट्स सपोज यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस की टर्म आएगी ऑब्वियसली बात है वो मेरे पास आ जाएगी ए एन, सॉरी एन यहाँ पड़ा हुआ है, लेट्स सपोज एम कहीं आ गया यहाँ पड़ा, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस की टर्म आ जाएगी वो मेरे पास आ जाएगी ए एम। तो अगर आप कोई सी दो टर्म्स लें, अब आप इन दोनों टर्म्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं ए एन माइनस ए एम, तो ये जो डिस्टेंस है अगर ये डिस्टेंस एप्सिलॉन से लेस आ रहा है और आपको इस तरह हर एप्सिलॉन के लिए इस तरह का पॉइंट एक नेचुरल नंबर मिले तो आप कहेंगे कि ये सीक्वेंस आपके पास एक कॉशी सीक्वेंस। ये बहुत सिमिलर सी डेफिनेशन है हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस के। कन्वर्जेंट सीक्वेंस में बेसिकली हम देखते हैं कि हमारे पास हर एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए और हम कहते हैं कि वो सीक्वेंस क्यों सीक्वेंस किसी पॉइंट एक्स को कन्वर्ज करेगा, कि हमारे पास कोई भी सीक्वेंस आप ले लें ए एन, तो हम बात करेंगे कि यह सीक्वेंस किसी भी पॉइंट एक्स को कन्वर्ज करेगी कि अगर आपके पास हर एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करे एन बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कि आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो such that whenever आपके पास जो n है वो आपके इस कैपिटल n से बड़ा या उसके इक्वल आए, it implies कि आपके पास a n और x के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से लेस आना चाहिए, ठीक है।
अब बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम कन्वर्जन में देखा है, काशी में देखा है, कन्वर्जन की डेफिनेशन भी बिल्कुल वही है कि अगर आप इसको रियल लाइन पे मैं ड्रा करूँ तो हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस के टर्म आ रही थी, A1 थी, A2 थी, A3 आ रही थी, तो हम यही भी बात करेंगे यहाँ पे भी कि आपको पास ये सीक्वेंस के टर्म किसी पॉइंट एक्स को कन्वर्ज करेंगी अगर हर एप्सिलॉन के लिए आपको एक नंबर मिल जाए एन, कि इस एन के ऊपर आपके पास सीक्वेंस की जो टर्म पड़ी है वो ए एन है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर एंड तक कोई सी भी एक टर्म उठानी है और उसका आपने एक्स के साथ डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पर जो एक्स है सेकंड जिसके साथ डिस्टेंस फाइंड आउट करना है वो फिक्स है, लेकिन क्वेश्चन में आप देखें कि दोनों आपके पास जो सिक्वेंस की टर्म है वो दोनों वेरी कर रही है, ए एन भी वेरी कर सकता है, ए एम भी वेरी कर सकता है, ठीक है। लेकिन आपके पास कन्वर्जन में एक पॉइंट जिसको सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है वो पॉइंट फिक्स होता है। तो बेसिकली ये छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन आप ऑन द अदर हैंड देखें तो यहाँ पे भी मुझे हर एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर चाहिए और काशी सीक्वेंस में भी मुझे हर एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कन्वर्जन सीक्वेंस और काशी सीक्वेंस में बेसिकली रिलेशन क्या है। फर्स्ट हमारे पास रिलेशन नज़र आता है कि वो कहता है कि एवरी कन्वर्जन सीक्वेंस इज़ अ कॉशी सीक्वेंस। अगर आपके पास कोई भी सीक्वेंस आप कंसिडर करें कि जो कन्वर्जेंट हो तो वो इट सेल्फ कॉशी भी होगी। तो अगर मैं इसके प्रूफ पे जाता हूँ, तो मेरे पास मेथड ही होना चाहिए कि हमने प्रूफ ये करना है कि एवरी कन्वर्जेंट इज कॉशी, तो हम एक सीक्वेंस सपोज करेंगे जिसके बारे में हमें गारंटी होगी कि ये सीक्वेंस आपके पास कन्वर्जेंट है। तो लेट एक सीक्वेंस मैं ले लेता हूँ एक्स एन बी आर कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अब अगर आपके पास ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कन्वर्जेंस की डेफिनेशन को भी फुलफिल करेगा। सो इट इम्प्लाइज फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बिल्कुल उसी तरह से कि हमारे पास हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए एक पॉइंट नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट एक्स एन माइनस एक्स, हम बात कर लेते हैं कि सिक्वेंस किसी पॉइंट अगर एक्स को कन्वर्ज कर रही है, एडिशन कर देता हूँ, कन्वर्जन सिक्वेंस सच दैट एक्स, हम कन्वर्जिंग पॉइंट भी बता देते हैं कि एक्स को कन्वर्ज कन्वर्जेस टू एक्स कन्वर्ज सेट है ना, तो किसी पॉइंट पे तो कन्वर्ज करेगी, हमने उसको कन्वर्जिंग पॉइंट को एक्स किया। तो एक्स और एक्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से लेस होना चाहिए व्हेन एवर यू कंसीडर फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू द कैपिटल एन। तो ये तो सिंपल हमारे पास कन्वर्जन की डेफिनेशन है, अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो वो इस डेफिनेशन को फुलफिल करेगी। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि आपके पास जो सीक्वेंस है ना वो कॉशी है। कॉशी के लिए बेसिकली मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, कॉशी के लिए मुझे प्रूव ये करना पड़ेगा कि मेरे पास एक्स एन और एक्स एन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी बिल्कुल हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन है और हर एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है, एन बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। लेकिन आप देखें हमारे पास एप्सिलॉन भी पहले से पड़ा हुआ है, हमारे पास वो नेचुरल नंबर जो पॉइंट भी पहले से पड़ा हुआ है। अब हम इसको लेके चलते हैं और हम इसकी लेफ्ट साइड को लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये राइट साइड से लेस आ रही है या नहीं है। सो मैं यहाँ सपोज करता हूँ नाउ फॉर एम और एन जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन, अगर इस नेचुरल नंबर एन से ग्रेटर या इसके इक्वल आते हैं तो क्या होता है, सॉरी अब इसकी लेफ्ट साइड लेते हैं एक्स एन माइनस एक्स एन। अब मुझे पता है कि मैं इसको सिंपल ये कर सकता हूँ, अगर इस ग्रेटर
इक्वालिटी में मैं एक दफ़ा एक्स को माइनस कर दूं और एक दफ़ा एक्स ऐड कर दूं, उसमें कोई फ़र्क नहीं रहना चाहिए। तो बस मिल जाएगी हमारे पास दोनों चीज़ें आपस में इक्वल आएंगी। तो यहाँ पे अगर मैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज़ करता हूँ तो हमारे पास लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा और हमारे पास ये मॉड बन जाएगा एक्स एन माइनस एक्स मॉड प्लस एक्स एम माइनस एक्स मॉड। नाउ लुक एट दिस, मुझे पता है कि जब आपके पास ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट थी तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक हर एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर मिला, कि जब भी हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म जो स्मॉल है ना वो कैपिटल एन से बड़ा होगा तो उस स्मॉल एन के ऊपर जो सीक्वेंस की टर्म है और उसका और एक्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से लेस आ जाएगा। अगर यहाँ पे सपोज किया है जो हमारे पास स्मॉल एम और स्मॉल एन दोनों कैपिटल एन से बड़े हैं उसके इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस स्मॉल एन के ऊपर जो सीक्वेंस की टर्म पड़ी है और इस कैपिटल स्मॉल एम के ऊपर जो सीक्वेंस की टर्म पड़ी है, इन दोनों सीक्वेंस की टर्म का जब भी मैं एक्स के साथ डिस्टेंस लूँगा तो वो डिस्टेंस हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं इस इनइक्वालिटी को यूज़ करते हुए मैं लिख सकता हूँ कि हमारे पास द फर्स्ट एक्स एन माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन एंड प्लस एक्स एम माइनस एक्स ऑल्सो भी लेस देन एप्सिलॉन। अब हमारे पास जो टर्म आनी चाहिए वो आएगी हमारे पास एक्स एन माइनस एक्स एम द मॉड शुड बी लेस देन, ये तो टू एप्सिलॉन होना चाहिए ना, लेकिन हमें जो एप्सिलॉन चाहिए था। अब यहाँ पे हम क्या करना चाहिए, हमें एप्सिलॉन चाहिए। अब हमें देखना चाहिए कि क्वेश्चन में मैं कहाँ पे चेंज इन करूँ कि हमारे पास यहाँ पे टू एप्सिलॉन ना बने। टू एप्सिलॉन बन भी जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो लास्ट डेफिनेशन है वो बिल्कुल उसी तरह से मुझे शो हो जिस तरह से प्रॉपर कॉची सिक्वेंस की डेफिनेशन। उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर मेरे पास एप्सिलॉन भी पॉजिटिव नंबर है तो एप्सिलॉन पे टू भी तो एक पॉजिटिव नंबर होगा ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमारे पास एक्स एन माइनस एक्स शुड बी लेस देन एप्सिलॉन बाय टू। एप्सिलॉन कोई हमारे पास स्पेसिफिक नंबर नहीं है, एप्सिलॉन का मतलब है पॉजिटिव नंबर। अब अगर एप्सिलॉन पॉजिटिव है तो एप्सिलॉन टू भी पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे भी एप्सिलॉन टू आ गया है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी एप्सिलॉन बाय टू हो जाएगा और यहाँ पे भी एप्सिलॉन बाय टू हो जाएगा, जिसका मतलब है एप्सिलॉन बाय टू, एप्सिलॉन बाय टू इज बेसिकली द एप्सिलॉन। दिस एक्स एन माइनस एक्स एम मॉड शुड बी लेस देन एप्सिलॉन, ये चीज़ कब एग्जिस्ट कर रही थी, ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही थी फॉर एन एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल एन। तो ये तो हमारे पास कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन नहीं बन गई। इसका मतलब है कि हमने क्या किया, हमने एक जनरल सी सीक्वेंस ली जो आपके पास कन्वर्जेंट थी और हमने प्रूव करवा दिया कि वो सीक्वेंस आपके पास कॉची भी है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो सीक्वेंस है बेसिकली दिस इम्प्लाइज एक्स एन इज अ कॉशियस सीक्वेंस। अब चूंकि हम यहां पे रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो इसका प्रूफ, इसका जो इस थ्योरम का जो कन्वर्स है मैं आप लोगों पर छोड़ना हूं। अब ये प्रूफ करें, जैसे हमने ये कह दिया कि हमारे पास हर जो कॉशी सीक्वेंस है जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो कॉशी होती है। अब इसका कन्वर्स ये है कि क्या हर कॉशी सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होती है, कि क्या हमारे पास किसी भी सीक्वेंस का कॉशी होना उसकी कन्वर्जेंट में अप्लाई करता है। आसान सा प्रूव है, आप इसको इजीली ढूंढ सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको मिलेगा कि हमारे पास हर कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाती है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जैसे ही आप स्पेसिस से बाहर निकलेंगे, कल को आप फंक्शन एनालिसिस का कोर्स पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि वहाँ पे आपके पास थ्योरम आएगा कि हर कॉशी सीक्वेंस का कन्वर्जेंट होना ज़रूरी नहीं है। अब हर कॉशी सीक्वेंस का कन्वर्जेंट होना ज़रूरी इसलिए नहीं है कि अगर मैं स्पेसिस जो हमारे पास ओवरऑल स्पेसिस पड़ी हैं उनको मैं एक बॉक्स के अंदर रख दूँ तो इस बॉक्स को मैं दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। एक पार्ट है कि जिसमें आपके पास कंप्लीट स्पेसिस पड़ी होंगी। कंप्लीट स्पेसिस मीन्स ऐसी स्पेसिस कि जिनमें आपके पास हर कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, ठीक है, और कुछ आपके पास इनकम्प्लीट पड़ी होंगी। इनकम्प्लीट स्पेसिस हमारे पास ऐसी स्पेसिस हैं कि जिनमें हर कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट
नहीं होगी। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम रियल एनालिसिस को डील कर रहे हैं, और रियल एनालिसिस बेसिकली आपके पास जो रियल स्पेस है, आपके पास रियल नंबर्स की स्पेस है, वो आपके पास एक कंप्लीट स्पेस है। इसलिए जब भी आप रियल नंबर की स्पेस के अंदर देखेंगे तो आपको हर कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट मिलेगी। ठीक है, तो जब तक आप रियल नंबर की स्पेस के अंदर हैं तो तब तक तो आप इस बात को जनरलाइज कर सकते हैं कि हर कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, लेकिन जैसे ही आप ओवरऑल इस पूरे का पूरे बॉक्स को देखेंगे तो पूरे बॉक्स के अंदर आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि हर कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी इनकम्प्लीट स्पेसेस होंगी कि जिनमें हमारे पास कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगी। इनकम्प्लीट स्पेस को यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करना थोड़ा सा अर्ली होगा, तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ इनकम्प्लीट स्पेस होती क्या है, वो किस तरह की स्पेसेस होती हैं, मैं उन पर भी नहीं जाऊँगा। अब नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है वो कॉशी सीक्वेंस को डिस्कस करता है। वो कहता है कि हमारे पास प्रूव ये कह रहे हैं कि हर कॉशी सीक्वेंस बॉन्डेड होती है, कॉशी सीक्वेंसेस आर बॉन्डेड। अब इसका मतलब है हमने कॉशी सीक्वेंस लेनी है और उसको प्रूव करवाना है कि वो हमारे पास बॉन्डेड है, तो हमारा मेथड भी होना चाहिए कि कॉशी सीक्वेंस पॉज करेंगे और उसको बॉन्डेड प्रूव करवाते हैं। तो लेट्स सी, हम कॉशी सीक्वेंसेस प्रूफ का आगाज करते हैं। तो इसका प्रूफ स्टार्ट होता है हमारे पास बेसिकली लेमा है, तो लेमा का प्रूफ हमारे पास स्टार्ट होता है लेट एक्स एन बी आर कॉशी सीक्वेंस। अब ये कॉशी सीक्वेंस है तो ऑब्वियसली बात है कॉशी की डेफिनेशन को फुलफिल भी करेगी, और कॉशी की डेफिनेशन है ये, इट इम्प्लाइज फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सच दैट एक्स एन माइनस एक्स एम दैट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। तो जिस कब एग्जिस्ट करनी चाहिए कॉशी सीक्वेंस में, जिस एग्जिस्ट करती है फॉर एन एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू दैट कैपिटल, कि हमारे पास चूंकि सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस। अब कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन में हमने देखा है कि आपके पास ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड करेगी जब आपके पास स्मॉल एन और स्मॉल एम है वो कैपिटल एन से या तो बड़े हों या कैपिटल एन के इक्वल। तो इसका मतलब है अगर मैं कैपिटल एन को एक वैल्यू सपोज कर दूँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास अगर कैपिटल एन की वैल्यू मैं 10 लिख दूँ, तो मैं कहूँगा कि ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड करेगी जब हमारे पास स्मॉल एन और स्मॉल एम या तो 10 हो या 10 से ग्रेटर हो। तो अगर मैं ये लिख दूं कि हमारे पास जो स्मॉल एन है उसको तो मैं 10 या 10 से ग्रेटर सपोज कर लूं, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास कैपिटल एम है उसको मैं 10 वैल्यू दे दूं। देखें कि 10 आपके पास यहाँ पे जो एम की जगह वैल्यू है वो भी 10 या 10 से बड़ी है, जो एन की जगह है एन को हमने सपोज कर लिया है कि वो भी 10 या 10 से बड़ा है, तो ये वाली इनइक्वालिटी भी एप्सिलॉन से लेस होनी चाहिए। अब अगर मैं एन को वैल्यू ना दूं, मैं इसको सिंपल ही एन रखूं, कैपिटल एन ही रखूं, तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 10 है वहाँ वहाँ पे आपके पास एन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली इनइक्वालिटी कुछ इस तरह से बन रहा है। तो अगर वही चीज़ मैं यहाँ पे सपोज कर लूँ, नाउ फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल एन एक्स एन माइनस एक्स कैपिटल एन दैट डिस्टेंस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन, के डिस्टेंस हमारे पास एप्सिलॉन से लेस होना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे अगेन ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज करता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ कि हमारे पास एक्स एन मॉड माइनस एक्स कैपिटल एन मॉड शुड बी लेस देन इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एक्स कैपिटल एन लेस देन एप्सिलॉन। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ दिस थिंग विल इम्प्लाई एक्स
एन शुड बी लेस देन एप्सिलॉन प्लस एक्स कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पे एप्सिलॉन जो है वो भी पॉजिटिव नंबर है, और जो यहाँ पे मोर के अंदर एक हमारे पास सीक्वेंस की टर्म पड़ी है मोर ले रही है, तो वो भी हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब है कि ओवरऑल यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास गिवन है ये बेसिकली आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू है, और ये वाली चीज कब एग्जिस्ट कर रही है, फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल। ठीक है, अब हो सकता है आपको लगे कि अगर यहाँ पे जो पॉजिटिव नंबर है इसको हम एम कह दें, बेसिकली आपके पास बाउंडेड की हमारे पास डेफिनेशन ये होती है कि हम आपके पास पूरी की पूरी जो सीक्वेंस है एक्स एन देयर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू सम पॉजिटिव नंबर एम, और यहाँ पर जो एम है वो आपके पास जीरो से बड़ा होना चाहिए। अगर आप कह दें कि ये इसको मैंने एम कह दिया तो इसका मतलब मेरी सीक्वेंस जो हमारे पास है वो बाउंडेड प्रूफ हो गया, मेरा प्रूफ यहाँ पे एंड हो चुका। लेकिन आप देखें ज़रा गौर से कि ये कंडीशन है जो हमारे लिए मसला क्रिएट कर रही है, ये कंडीशन इसलिए मसला क्रिएट कर रही है अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रा करूँ सीक्वेंस को, तो सीक्वेंस मैं कुछ इस तरह से ड्रा करूँगा कि सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म अगर एक्स वन है, सेकेंड टर्म आपके पास एक्स टू है, थर्ड टर्म अगर एक्स थ्री है, और इसको चलाते जा रहे हैं और आगे सौ ऑन यहाँ पर सीक्वेंस की टर्म आ जाएगी एक्स कैपिटल एन माइनस वन, उसके पास सीक्वेंस की टर्म आ जाएगी एक्स एन, और इसके फिर आगे सीक्वेंस की टर्म चलती जाएंगी। तो हमने क्या किया है, हमने कहा है कि ये वाली जो सीक्वेंस की टर्म है ये लेस देन सम पॉजिटिव नंबर है। कौन सी टर्म्स हैं आपके पास जब एन आपके पास कैपिटल एन या कैपिटल एन से बड़ा होगा, इसका मतलब है मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है और इससे आगे वाली सीक्वेंस की टर्म्स की बात कर रहा हूँ कि ये सारी के सारी सीक्वेंस की टर्म्स का मॉड किसी पॉजिटिव नंबर से कम है। लेकिन इससे जो पीछे वाली टर्म्स है ना वन से लेकर एन माइनस वन तक, इनको अभी हमने डिस्कस ही नहीं किया। अब चूंकि हमारे पास बाउंडेड में पूरी की पूरी सीक्वेंस फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, पूरी की पूरी सीक्वेंस का मॉड लेस देन एम होना चाहिए, इक्वल टू एम होना चाहिए, तो अब यहाँ पे तो हमने सिर्फ इन टर्म्स की बात की ना। अब जब तक हम पिछली टर्म्स की बात नहीं करेंगे तब तक हम नहीं कह सकते कि सीक्वेंस बाउंडेड है या नहीं है। तो लेट्स सी अब इसको करने के लिए कि मैं क्या करता हूँ, मैं सपोज करता हूँ इट इम्प्लाइज कि आपके पास ये पूरी की पूरी जो सीक्वेंस है एक्स एन, नॉट पूरी की सीक्वेंस, सीक्वेंस की एक पार्ट शुड बी लेस देन एम वन। ठीक है, और ये हमारे पास फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल एन, और यहाँ पे मैं एम वन की डिफाइन कर देता हूँ कि एम वन हमारे पास है क्या, वेयर एम वन इज बेसिकली अ पॉजिटिव नंबर एंड दिस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन प्लस एक्स। इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक एन तक हमारे पास सीक्वेंस की टर्म्स की जो बात है, अब इससे जो पहले वाली एन माइनस वन तक उनको डील करते हैं। अब मैं सपोज करता हूँ नाउ लेट एक नंबर सपोज करते हैं एम टू, और वो नंबर क्या है, वो नंबर बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू है। किसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इस सेट के अंदर पड़े हुए हर एलिमेंट में से जो मैक्सिमम है वो मैं उसको एम टू कहूँगा, और सेट के अंदर पड़ा क्या हुआ है, इस सेट के अंदर जो एक्स वन वैल्यू है उसका मॉड पड़ा है, सिमिलरली जो एक्स टू वैल्यू है उसका मॉड पड़ा है, जो एक्स थ्री टर्म है उसका मॉड पड़ा है, एंड सो ऑन अप टू एक्स एन माइनस वन तक जितनी भी वैल्यूज थी उन सब का हमारे पास मॉड बड़ा हुआ है इस सेट के अंदर। अब इनमें जो सबसे मैक्सिमम होगा वो ऑब्वियसली बात है उसको मैं एम टू कहता हूँ। अब यहाँ से हमें नज़र ये आ रहा है कि आपके पास ये जो वैल्यू है एम टू सबका मैक्सिमम है। अब कोई भी वैल्यू अपने मैक्सिमम से बड़ी तो नहीं हो सकती ना, या तो उसकी इक्वल आएगी या उससे छोटी होगी। इसका मतलब है मैं लिख सकता हूँ जो एक्स वन का मॉड होगा वो जो भी होगा वो एम टू से बड़ा नहीं हो सकता, या तो एम टू से स्मॉल होगा या एम टू के इक्वल। सिमिलरली x2 का जो मॉड होगा वो भी m2 से लेस या m2 के इक्वल आएगा, और अप टू सौ ऑन आखिरी वैल्यू तक जो एक्स एन माइनस वन का मॉड है वो भी या तो m2 से लेस आएगा या m2 के इक्वल आएगा। तो उसको अगर मैं जनरलाइज करूँ तो मैं लिख सकता हूँ इट इम्प्लाइज कि जो आपके पास एक्स एन का मॉड है दैट मॉड शुड बी लेस देन इक्वल्स टू m2, और ये वाली चीज़ कब एग्जिस्ट करेगी, फॉर ऑल एन इक्वल्स टू वन
टू थ्री अप टू सो ऑन एन माइनस वन तक। ठीक है, अब जरा बाद में गौर से देखिएगा, वन से लेकर एन माइनस वन तक हमारी ये वाली इनइक्वालिटी पॉजिटिव नंबर से लेस है, और एन कैपिटल एन से फिर आगे इनफिनिटी तक हमारे पास ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है कि ये वाली इनइक्वालिटी में हमारे पास सीक्वेंस की टर्म जो कैपिटल एन से बड़ी हैं और इन्फिनिटी तक जा रही हैं, वो सारी के सारी टर्म्स एक पॉजिटिव नंबर एन माइनस से लेस। लेकिन मुझे पूरी की पूरी सीक्वेंस एक सिंगल पॉजिटिव नंबर से लेस चाहिए, तो मैं उस सारे सिनेरियो को डील करने के लिए क्या करता हूँ, मैं लेट करता हूँ, लेट एक नंबर सपोज कर लेते हैं, उस नंबर को मैं कह देता हूँ एम, और वो मैक्सिमम वैल्यू है इन दोनों में से, एम वन और एम टू में से जो भी मैक्सिमम होगा उसको मैं एम कहता हूँ। अभी जो एम होगा, अगर कोई भी वैल्यू एम टू से लेस है तो ऑब्वियसली बात है वो एम से भी लेस ही होगा, और अगर वो एम टू के इक्वल है तो ऑब्वियसली बात है कि वो एम, सॉरी मैं बातें करने जा रहा हूँ, कोई भी सीक्वेंस की टर्म है वो एम टू से लेस या एम टू के इक्वल है तो फिर वो अब उसके मैक्सिमम से कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास अगर कोई भी सीक्वेंस की टर्म जो है वो एम वन से लेस है तो ऑब्वियसली बात है वो इन दोनों एम वन और एम टू का जो मैक्सिमम है एम, इससे बड़ी नहीं हो सकती। इट विल इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं कि हमारे पास पूरी की पूरी सीक्वेंस जो आ जाएगी एक्स एन, दैट सीक्वेंस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल एम, और ये वाली चीज़ कब एग्जिस्ट करेगी, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हर नेचुरल नंबर के लिए इसलिए है कि वन से लेकर एन वन तक जो एन माइनस वन तक जो नेचुरल नंबर थे वो यहाँ पे डील हो गए हैं। एन माइनस वन के बाद कौन सा नेचुरल नंबर आएगा, एन आएगा, और उसके बाद फिर आगे सौ इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो वो वाले जो नंबर हैं जो एन से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहे हैं वो यहाँ पे डील हो। ठीक है, तो इट मीन्स कि हमारे पास सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स हैं वो एक पॉजिटिव नंबर एम से लेस हैं, तो इट मीन्स वी कैन से दैट इट इम्प्लाइज एक्स एन इज बाउंडेड। इसका मतलब अगर आपके पास कोई भी सीक्वेंस है वो कॉशी है तो फिर वो आपके पास बाउंडेड। दैट्स इट फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।